हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस क्विज सीरीज। आज की इस क्विज सीरीज में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस की, जो कि आ रहे हैं नए पैटर्न के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। बात हो रही है यहाँ पर सृजनात्मकता की या क्रिएटिविटी की। इन चारों में से कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा ऑप्शन क्रिएटिविटी से रिलेटेड है? जी आंसर करिए, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, इमोशनल थिंकिंग या इगोइस्टिक थिंकिंग। राइट योर आंसर। करेक्ट आंसर इज डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन। देखिए, मैंने आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस में थिंकिंग का कॉन्सेप्ट कराया था और उसमें बताया था कि दो तरीके का थिंकिंग पैटर्न, एक डाइवर्जेंट और दूसरा कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में हम बात करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस की, ठीक है, और कन्वर्जेंट में हम बात करते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की, ठीक। अब बात आती है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? जेपी गिल्फर्ड। जेपी गिल्फर्ड ने डाइवर्जेंट थिंकिंग को बोला क्रिएटिविटी और कन्वर्जेंट थिंकिंग को उन्होंने बोला, जिसको आप जानते हैं, इंटेलिजेंस के नाम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट। कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होगा? चार चॉइसेस है आपके सामने, राइट योर करेक्ट आंसर। यस, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन, दैट असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। ज्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये जरूर पढ़ लिया कीजिए, इज नॉट कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। जी रीड योर चॉइसेस, ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट, ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, ऑल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट। जी बात कर लेते हैं करेक्ट आंसर की, ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, तो ये तो होता है, इट इज अ प्रिंसिपल। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट, जब हम एरियाज ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें कॉग्निटिव आ जाता है, इसमें फिजिकल आ जाता है, इसमें इमोशनल आ जाता है, इसमें सोशल डेवलपमेंट आ जाता है, इसमें मॉरल डेवलपमेंट आता है, और सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस मीन्स हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या नेचर एंड नर्चर के इंटरेक्शन से ही डेवलपमेंट होता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पूछा था विच वन इज नॉट, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपका सिलेबस का पार्ट है इस बार से। शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पढ़िए चारों ऑप्शंस। शुड प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशंस, सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिडक्टिव मैथड, क्या निगमनात्मक, डिडक्टिव का मतलब पहले रूल बताना और फिर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज एल्गोरिथम, क्या कलन विधि या एल्गोरिथम का प्रयोग करना चाहिए, या प्रोवाइड फैक्ट्स टू स्टूडेंट टू मेमोराइज दैम। करेक्ट आंसर वुड बी ए, प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कीटर करते हुए पढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग ए मॉरल डिसीजन, मींस मॉरल कॉग्निशन या मॉरल डिसीजन लेते हुए किस तरीके से, किस ऑप्शन के साथ में जाएगा बच्चा प्री कन्वेंशनल लेवल की अगर हम बात करें। कोलबर्ग की थ्योरी मैं एक बार पहले क्विज में बता चुका हूँ, क्विज 1.3 में, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत
स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रवृत्ति का होगा? जी, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स, इंडिविजुअल वैल्यूज या फैमिली एक्सपेक्टेशंस? जी, करेक्ट आंसर वुड बी बी। अब देखो, जिनको ये लग रहा है कि ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, चलिए अब समझ लीजिए, कोलबर्ग ने तीन लेवल्स दिए हैं, थ्री लेवल्स अपनी मॉरल रीजनिंग की थ्योरी में। एक है प्री कन्वेंशनल, एक है कन्वेंशनल और नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल। ये परंपरागत, ये पूर्व परंपरागत और ये उत्तर परंपरागत। अब देखिए, यहाँ पर प्री कन्वेंशनल से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्री कन्वेंशनल में दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या दो चीज़ें होती हैं? सबसे पहली तो होती है कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ठीक। दूसरा, सेकंड जो है, सेकंड सब स्टेज या सब लेवल जो है इसमें, वो है ईगो एंड एक्सचेंज। अब देखो, यहाँ पर एक बात समझो, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस तो है ही है, जब बच्चा छोटा होता है ऑटोनोमस मोरालिटी नहीं होती उसकी, हेट्रोनोमस होती है, तो यहाँ पर पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। ईगो एंड एक्सचेंज में बच्चा अपनी नीड्स के हिसाब से अपना मॉरल रीजनिंग करता है, ठीक है। अब देखो, इन दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? क्या पनिशमेंट अवॉइडेंस बच्चे की अपनी नीड है कि नहीं है? सो करेक्ट आंसर वुड बी पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स। भाई एक बात बताओ, कौन चाहता है कि उसके दुख हो, दर्द हो? एवरीबडी वॉन्ट्स टू अवॉइड पेन, है ना? सो इट इज अ पर्सनल नीड। सो पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व इज अ पार्ट बट इज इन्वॉल्व इन दिस बिगर डोमेन, करेक्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन? प्रतिभाशाली बच्चे की कौन सी विशेषता नहीं है? जी, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ के आंसर लिखिए। यस, करेक्ट आंसर वुड बी सी। बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेसेस नहीं होते बिकॉज प्रतिभाशाली बालक है। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं इसमें नहीं होती, ठीक, क्योंकि उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, हाई सेल्फ एफिकेसी होती है इनमें और प्रॉब्लम्स को इंसाइटफुली सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन नंबर 7। चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव द रोल ऑफ टीचर इज दैट ऑफ ए। देखिए, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी? यस, करेक्ट, फैसिलिटेटर। देखिए, सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर, या हम इसको बोलेंगे अधिगम में सहायक। डॉक्यूमेंट है हमारे पास NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जो कि स्कूल एजुकेशन का अभी तक का लेटेस्ट और मोस्टली डिग्निफाइड डॉक्यूमेंट जिसको हम मानते हैं। इसके हिसाब से टीचर का जो रोल है वो फैसिलिटेटर का है। टीचर एक स्टेज सेटर के तरीके से है, जो कि लर्निंग की सिचुएशन क्रिएट करेगा। सिचुएशन क्रिएट करने का काम टीचर का है और बच्चा उसमें खुद पार्टिसिपेट करके एक्टिवली रूप से सीखेगा, अपनी लर्निंग को, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ एरर्स इज कॉमन बिटवीन ए लर्नर हु इज लर्निंग हिज मदर टंग एंड द लर्नर हु लर्न्स द सेम लैंग्वेज एज सेकंड लैंग्वेज? समझो क्वेश्चन को, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा उसी भाषा को सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहा है। ओके, लैंग्वेज से क्वेश्चन है, दोनों निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? नाउ, व्हाट इज द कॉमन एरर बिटवीन दीज टू लर्नर्स? यस, बताइए, पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए, अपने आंसर्स दीजिए। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन,
डेवलपमेंटल। देखिए यहाँ पर दो तरीके की चीज़ें हैं, एक आती है इंट्रालिंगुअल एरर्स। इंट्रालिंगुअल एरर्स का जो रीज़न है वो ओवर जनरलाइजेशन भी हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है, रॉन्ग मेथड ऑफ टीचिंग भी हो सकता है, ठीक। और इंटर लिंगुअल एरर्स का भी रीज़न यही चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो दोनों में कॉमन होगा, कॉमन विल बी द डेवलपमेंटल या विकासात्मक त्रुटियां होंगी, ठीक। दिस इज द करेक्ट आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ए टीचर इज कनेक्टिंग अ टेक्स्ट टू द प्रीवियसली लर्न टेक्स्ट एंड शोइंग चिल्ड्रन हाउ टू समराइज इट। एक अध्यापक पाठ को पहले पढ़े हुए पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है। पढ़ो ऑप्शन, आंसर दो। यस, द टीचर इज हेल्पिंग चिल्ड्रन टू डेवलप देयर ओन स्ट्रेटजी टू कॉम्प्रिहेंड इट। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान को बाधित नहीं करता। नॉट को जरूर पढ़िए जी। मेंटल सेट्स करते हैं मानसिक प्रारूपता, एंट्रेंचमेंट करता है, फिक्सेशन का मतलब अटक जाना कहीं पर एक पॉइंट पर, ओके। इनसाइट इज द करेक्ट आंसर। देखिए इनसाइट उल्टा हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ओके गाइस। सो दीज वर 10 क्वेश्चंस। मिलता हूँ नेक्स्ट क्विज में। थैंक यू सो मच।